डिग्री उन्होंने हासिल की वो छोड़ दी। आपने डिग्री हासिल की लॉ में, जी। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है कि फन पे इस डिग्री को कुर्बान कर दिया जाए? नहीं नहीं, अभी तो मैंने डिग्री हासिल की है तो फौरन ही तो नहीं छोड़ सकती, और इतने इतनी मेहनत करके हासिल की है। नहीं, वो तो यकीनन फारूक ने भी मेहनत की होगी, हम नहीं नहीं अब नहीं लगता नहीं, लेकिन अब वो भी भूल गए, हमारे तो अभी फ्रेश है, लेकिन ये भूल जाएंगे जल्दी लेकिन ये जरूर है कि आई वुड लाइक टू डू बोथ। आपका एक गाना कोमल कोमल पलकें बोझे बहुत मशहूर हुआ, गोल्डन डिस्क भी बनी, आपको पता वो लिखा किसने? अब पता लग गया किसने लिखा। एक साहब है जो पता नहीं क्या करते हैं, पपेट्स वपेट्स चलाते हैं, तो उन्होंने शायद लिखा। ये एक साहब है, मुस्कुरा बहुत रहे वो इसलिए कि ये कह रहे हैं कि अब पता चला, अगर पहले पता चलता तो बिल्कुल ना गाते नहीं, ये भी हो सकता कि वो अच्छी जो नहीं, गाना बहुत खूबसूरत खूबसूरत लिखा हुआ गाना तो कभी नहीं छोड़ा जाता। हमने पहली दफा सुना जी, यहाँ पर ये फायदा है राइटर का और फर्क सिंगर का कि हमने तो एक दफा लिख दिया, अब इनको बार बार सुनाना पड़ेगा, हम बच गए। कोमल कोमल पलकें बोझल ढलका ढलका साये आंचल, कोमल कोमल पलकें बोझल, मन दीवाना मन है पागल, खुद नैया खुद ही साहिल, मन दीवाना मन है पागल, खुद नैया खुद ही साहिल, जैसे आता बादल बादल, कोमल कोमल बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छी। फारूक, आपका गीत गाजिया ने अभी फिर सुनाया, इनका ये गीत फूल भी बहुत हुआ, गोल्डन डिस्क भी मिली, इतनी तालियां भी मिली, आपको क्या मिला? मुझे रॉयल्टी मिलनी थी जो नहीं मिली वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात ये कि हमें भी रॉयल्टी मिलनी थी जो कि नहीं मिली, जो कि नहीं मिली। हाँ, तो इसका रिजल्ट ये है कि हमें गोल्ड डिस्क मिला और सरदर्द मिला, इनको गोल्ड डिस्क भी नहीं मिली और सरदर्द तो बहुत सारे। खान साहब,